जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इंदौर मंडी के आलू प्याज और लहसुन के बाजार देखते हैं। प्याज में तूफानी 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 तेजी है, 7,000 रुपये ऊपर में बिका और भी ऊपर बिक सकता है। हाल फिलहाल तक ये बिका, बाजार काफ़ी तेज खुला था और फिर धीरे धीरे कुछ कम हुआ और ले वाली एक नंबर बनी हुई है। तो प्याज में बेमौसम लगातार बरसात जारी है, फसल कम आ रही है, जिसकी वजह से बाजारों में उठाव देखने को मिल रहा है और ऊँचे भाव पर उच्चतम भाव पर माल बेचना लापत भी रहेगा, क्योंकि उच्चतम भाव पे मुनाफा वसूली भी होती है बार बार। तो थोड़ा बहुत माल बेचते रहें अच्छे भावों पर। आज में तूफानी तेजी जारी, 7,000 रुपये ऊपर में बिका है आज इंदौर मंडी में। सुपर माल 6,500 से 6,800, एवरेज मोटे माल 6,000 से 6,500, गोल्टा माल 4,500 से 5,500, गोल्टी माल 3,500 से 4,500, हल्के माल 3,000 से 3,500। दोस्तों, सुबह बाजार 1,500 तेज खुला था, फिर बाजार घटकर 1,000 रुपये तक तेज रहा। रेंज काफ़ी बड़ी है आज, क्योंकि उसका कारण ये रेंज थोड़ी बड़ी लिखी है, क्योंकि ऊपर नीचे बिक रहा है काफ़ी और ऊँचे भाव पर माल बेचना लापत रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आलू 1620 ऊपर में बिका, चिप्स वाला राशन वाला माल 1450 बिका। वही चिप्स वाले माल तो नॉर्मल मंडियों में 900 से 1300 बिक रहे हैं और राशन वाले 800 से 1100, गुल्ला माल 500 से 800, छजी माल 250 से 500, छाटन 450 से 600 और जो आगरा का माल है वो 400 से 850 तक बिक रहा है। नॉर्मली ऊपर में कुछ कुछ लाट 900-950 तक है। लहसुन ऊपर में 15,000 रुपये बिकी है, सुपर माल 12,500-14,000, फुल गोला माल 11,000-12,000, लड्डू माल 10,000-11,000, देशी मीडियम माल जो है 8,000-9,500, बारीक माल 5,000-7,500, 8,500-9,000 बोरी की आवक देखने को मिली और बाजार रहा लगभग समान, कोई विशेष तेजी मती देखने को नहीं मिली। प्याज तेजी रही है आज।